बेटर कंटेंट आपको पूरे YouTube में कहीं नहीं मिल रहा होगा। और सबसे ज्यादा हाईएस्ट मार्क्स हमारे चैनल से पिछली बार बच्चों ने स्कोर किया था और इस बार भी 90% 95% स्कोर आ रहा होगा। यानी कि यार बहुत ज्यादा एनकरेज होके लोगों के इंटरेस्ट आ रहा था उन सब चीजों में। हाँ भाई मारते हो जंक ले तैयार, तो यार अगर तैयार नहीं भी हो ना तो इस वीडियो के बाद हम पूरी तरीके से तैयारी कर रहे होंगे अपने मिड टर्म एग्जाम या फिर यूनिट टेस्ट की। तो यार आई नो आप लोगों के यूनिट टेस्ट एंड मिड टर्म एग्जाम स्टार्ट होने वाले हैं एंड यार आप लोग बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो रखे होंगे कि यार अभी तक मैंने कुछ भी चीजें नहीं पढ़ी है और कुछ स्टूडेंट्स होंगे जिन्होंने कुछ कुछ चीजें पढ़ ली हैं। बट यार यहाँ पे इस वीडियो में मैं दोनों ही टाइप के स्टूडेंट्स की बात करने वाला हूँ। चाहे आपने कुछ बहुत पढ़ रखा है, चाहे हमारे चैनल से पढ़ा है, चाहे किसी और चैनल से पढ़ा है, आपने कुछ ना कुछ पढ़ रखा है और ये वीडियो 11th और 12th दोनों के लिए होने वाली है। तो वीडियो को एंड तक जरूर से देखना क्योंकि 11th और 12th में कंप्यूटर साइंस के लिए स्पेशली इस बार हमें कैसे एग्जाम को अटेम्प्ट करना है और कैसे अभी अपनी स्टडीज को लिवरेट करना है ताकि यार हम अच्छे से अपने एग्जाम में अच्छे मार्क्स ला रहे होंगे। और यार मैं आपको बता दूं कि इससे पहले हमारे 12th क्लास का जो बैच था, इससे पिछला वाला जो बैच था, जो 22-23 वाला बैच, उसमें हमने कंप्यूटर साइंस के लिए पूरी की पूरी सीरीज लॉन्च की थी एट द एग्जाम डेज। और यार आप लोग विश्वास नहीं करेंगे, लास्ट के नौ दिनों में मेरे पास कमेंट्स भी है। मैं ऐसी हवा में कोई बातें नहीं कर रहा हूँ, ठीक है? जो भी बातें आपके सामने हैं कमेंट्स मेरे पास, मैं आपको सामने स्क्रीन पे दिखा दूंगा। इतने अच्छे रिव्यूज थे सारे सारे स्टूडेंट्स के लिए एंड 12th क्लास के बोर्ड एग्जाम में हमारे चैनल से पूरी तरीके से उन्होंने सारी सारी तैयारी की थी, ठीक है? उन्होंने इधर उधर से कुछ नहीं पढ़ा था, उनका कोई बेस नहीं था, उन्होंने इससे पहले कोई पहले से प्रीवियस तैयारी नहीं कर रखी थी। क्योंकि यार होता क्या है, हम साइंस स्टूडेंट्स होते हैं ज्यादातर, मोस्टली जिनके पास कंप्यूटर साइंस होती है, और यार उन्होंने के पास टू बी ऑनेस्ट फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स में इतने ज्यादा लगे रहते हैं कि यार उन्होंने के पास उनके पास कंप्यूटर साइंस के लिए टाइम नहीं होता है। और ये प्रैक्टिकल बात है, ठीक है? और यार मैं इस बात को पूरी अच्छी तरीके से समझता हूँ क्योंकि मैं उस बैकग्राउंड से निकल चुका हूँ। मैंने भी पीसीएम के साथ मेरा कंप्यूटर साइंस था, ठीक है? तो यार उस केस में मैंने कैसे अपनी प्रिपरेशन की, वही चीज यार जब यूट्यूब पे आप सर्च मारने जाओगे, अगर आप अभी सर्च मार दो क्लास 12 कंप्यूटर साइंस चैप्टर 1, अवेलेबल कंटेंट बहुत अच्छा है बट हमारा टाइम टेकिंग बहुत ज्यादा कंटेंट है। लिटरली 2-3 घंटे के एक एक वीडियोस बना रखे और हाउ कैन समवन कवर दिस मच सिलेबस इन दिस लिटिल टाइम, ठीक है? अगर वो चीज वही सब कुछ सोच के मैंने वन शॉर्ट्स का निकालना स्टार्ट किया और आप लोगों का बहुत ज्यादा प्यार उसमें मिला। 11th 12th क्लास में जब तक 12th क्लास में बहुत सारे लोग हमारे साथ जुड़े रहे। हाँ सर, उनको इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा आ रहा था और यार इसका रीज़न ये था क्योंकि यार कम टाइम में बहुत अच्छा लेवल का क्वालिटी कंटेंट उनको मिल रहा था और यार कंटेंट इस टाइप का था, पूरे पर रैपिड रिविजन्स, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, नोट्स और यार हर चीज़, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट प्रोग्राम्स, हर चीज़ हमने इस चैनल पर अवेलेबल कराई थी फॉर क्लास 12। तो यार अगर आप क्लास 12 के तो फिर बिल्कुल आपको चिंता लेने वाली बिल्कुल भी बात नहीं है। मोस्ट ऑफ द कंटेंट ऑलरेडी चैनल पर अपलोडेड पड़ा हुआ है। नीचे मैं डिस्क्रिप्शन में आपको क्लास 12 की प्लेलिस्ट दे दूंगा यार उस चैनल की, उसमें से प्लेलिस्ट से आप एक एक करके सारे सारे टॉपिक्स अपने क्लियर कर सकते हैं। एंड यार बिलीव मी, टॉपिक्स भले ही मैंने वीडियोस छोटी छोटी बना रखे बट एक एक चीज आपको क्लियर हो रही होगी, आपको ऐसा फील नहीं आएगा कि यार कुछ चीजें हमने छोड़ दी हैं इसमें, ठीक है? सारी की सारी चीज आपके अच्छे से डिटेल में कवर हो रही होंगी और साथ में प्रोवाइड कर रखे हैं मैंने उसमें रैपिड डिवीजन वगैरह और सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के पीडीएफ, अगर वो भी आप डायरेक्टली डाउनलोड कर सकते हो। पर्टिकुलर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में सारे सारे आपको मिल रहे होंगे, पीडीएफ ड्राइव लिंक मिल रहा होगा उसमें। और यार बात करूं अगर मैं 11th क्लास की, तो यार चैनल पर जो लोग पहले से हैं 11th क्लास के लिए, सर उनको तो आपको पता ही होगा कि यार 11th क्लास के लिए लगातार तगड़ा कंटेंट अपलोड हो रहा है। नेक्स्ट बेस्ट लेवल की क्वालिटी हैंड रिटन नोट्स आपको मिल रहे हैं चैनल पे, ठीक है? तो आप चेकआउट कर लो 11th क्लास में, अगर आपने अभी अभी हमारे चैनल को चेकआउट कर रहे हो तो 11th क्लास के हाई लेवल कंटेंट एकदम वन शॉट यार, हर कोई उनके आपको रिव्यूज दिखा सकता हूं मैं, मेरे पास बिल्कुल प्रूफ है, ठीक है? अगर आपको लग रहा हो कि यार ये चीज इतना अच्छा लेवल पे हमारे मार्क्स नहीं आ पाएंगे या फिर कुछ मिस्टेक यहां पे रह गई होंगी, हो सकता है इनिशियली स्टार्ट हो रहा है कुछ तो कहीं कुछ ना कुछ मैं कुछ स्किप कर दे रहा हूँ या फिर मैं बस इन सब चीजों में, नहीं यार ऐसा कुछ भी नहीं रहने वाला, आपको हाई लेवल कंटेंट एकदम हर चीज आपको क्लियर रहने वाली है, ठीक है? और यार इस सब चीजों को देखने के बाद आपको बिल्कुल भी कहीं पर भी डाउट नहीं रह पाएगा, ये मैं आपको गारंटी से कह सकता हूँ, ठीक है? तो यही सब थी, अगर आप 11th क्लास के हो तो यार नीचे आप देख सकते हो, आप हमारे चैनल को चेकआउट कर सकते हो। मोस्ट ऑफ द कंटेंट चैप्टर्स हमारे स्टार्टिंग हमने कर दिया अपलोड होनी, 6 चैप्टर तक हम पहुंच चुके हैं, 6-7 चैप्टर हमारा कंप्लीट हो चुका है और यार इसके आगे बस कुछ ही चैप्टर बचा है जो कि बहुत जल्द अपलोड हो जाएंगे उनके नोट्स के साथ। और यार नोट्स वगैरह अगर क्लास 11th के लिए चाहिए तो वो टेलीग्राम लिंक में आप ज्वाइन, टेलीग्राम के साथ ज्वाइन हो जाना, क्योंकि टेलीग्राम में बाकी सारी अपडेट्स भी देनी रहती है और अलग अलग मटेरियल्स होता है तो सारा का सारा एक साथ मैनेज करके रखना मुश्किल हो जाता है। तो टेलीग्राम लिंक आप, टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन जरूर से कर लेना, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है। और यार इसी तरीके से देखो कोई कोई तैयारी रहने वाली है सभी महारथियों के लिए, ठीक है? आई नो बहुत ज्यादा हौच पौच हो जाता है एग्जाम के टाइम पे, कुछ समझ में नहीं आता कि यार कहाँ से पढ़े क्योंकि टाइम इतना कम रहता है और यार कंप्यूटर साइंस जैसे सब्जेक्ट में जिसमें कि हमने इतना ज्यादा फोकस नहीं दिया होता, ठीक है? उस जैसे सब्जेक्ट को कवर करने के लिए हमें बहुत ज्यादा ढूंढना पड़ता है, बहुत ज्यादा ईंट पत्थर मारने पड़ते हैं, बहुत ज्यादा हाथ पैर मारने पड़ते हैं।
तो यार वो सब कुछ आपके लिए चीजें बहुत आसान कर दिया, आपको बस अब वीडियोस पढ़ना है, खोलना है, नोट्स आपके लिए पहले से बन बन के हैंड रिटन नोट्स आपके लिए रेडी हो रखे हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपको पहले से मिल रखा है, 11th क्लास के लिए सारी सारी चीजें अभी इस सेशन के लिए मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ, और इससे बेटर कंटेंट आपको पूरे यूट्यूब में कहीं नहीं मिल रहा होगा। और सबसे ज्यादा हाईएस्ट मार्क्स हमारे चैनल से पिछली बार बच्चों ने स्कोर किया था और इस बार भी 90% 95% स्कोर आ रहा होगा, ठीक है। और ये मैं एकदम प्रूफ के साथ कह रहा हूँ, मैं किसी भी तरीके से यहाँ पे एकदम हिचक नहीं है मेरे को कहते वक्त कि भाई यहाँ से पढ़ के इसी चैनल से पढ़ के बहुत अच्छे मार्क्स स्कोर किए थे बच्चों ने, ठीक है। तो यार आई होप वीडियो में मैं ज्यादा आपको गाइड नहीं करना चाहता था, क्योंकि यार आपका एग्जाम का टाइम है, मैं बस आपको ये बताना चाहता हूँ कि यार कंटेंट आपके पास अवेलेबल है, ठीक है। जो लोग भी अभी इधर उधर भटक रहे हैं, प्लीज एक जगह पे स्टिक हो जाओ, अगर आप इस चैनल से हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके यार इस चैनल से स्टिक हो जाओ, सारी सारी प्रिपरेशन आपकी वाले चैनल से हो जाएगी। और कुछ अगर स्पेशल चाहिए, स्पेशल जरूरत है तो मेरे को कमेंट में बताओ, क्योंकि यार मैं कमेंट का रिप्लाई बहुत अच्छे से करता हूँ, एक एक कमेंट का आपको नीचे रिप्लाई मिल जाएगा, आप मेरी कोई भी वीडियो चेक कर लेना, हर कमेंट का रिप्लाई मैं कर दूंगा। जो भी आपको पर्टिकुलर किसी चीज में दिक्कत हो रही है आप मेरे को इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो यार, ठीक है, इंस्टाग्राम आईडी का नीचे लिंक दे रखा है, और कोई भी क्वेरी आप मेरे से पूछ सकते हो। और बाकी यार यहाँ पे कॉन्टेंट आपके साथ सारा अवेलेबल है ही। तो यार आई होप ये वाली वीडियो आपसे थोड़ा ज़्यादा आपको अच्छा, मेरे को ऐसी थोड़ा बात करनी थी, क्योंकि मिड टर्म एग्जाम रिलेटेड आपके मन में बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन थी, यूनिट टेस्ट रिलेटेड यार कैसे करना है, तो थोड़ा बहुत गाइडेंस जो था जो मेरे को लगा कि यार मैं दे सकता हूँ, जो मुझे देना जरूरी है, अभी सामने आकर बोलना जरूरी है, तो वो यार मैंने दे दिया। आई होप वीडियो आपको पसंद आई होगी। चलो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले बाय।